हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और अभी अभी बस मैं नहा धो के आई हूँ और आप सभी ने देखा कितना तेज यहाँ पर बारिश हो रहा है। और रोज एक टाइम मतलब कि दिन भर धूप रहती है अच्छी खासी, लेकिन आज सुबह 3 बजे से बारिश स्टार्ट है और अभी तो रुक गया है और धूप भी आ गई है हल्की हल्की। तो मैं जा रही हूँ, जो मैंने अचार पिछले दिन उसको रखा हुआ था शीशे के जार में, बस उसी को देखने जा रही हूँ। और आज मैं अभी मसाले डालकर, और धूप है अभी तो उसे मैं धूप में रख दूँगी, मसाले वगैरह सब चीज़ मिक्स कर। और जब बारिश होती है तो फिर ठंडा, हल्का हल्का ठंडा लगता है, लेकिन दिन में जैसे ही धूप आ जाती है कड़ी धूप तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जो ये तालमेल है कभी ठंडा कभी गर्म, तो उस चक्कर में ना फिर घमोड़िया होना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे भी यहाँ पर एक दाना सा उठ गया है, जो गर्मी वाला फोड़ा होता है वो उठ गया है और ये काफ़ी दर्द कर रहा है, क्योंकि जो घमोड़ी होते हैं वो दर्द नहीं करते, लेकिन जो ये बड़े वाले फोड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं। तो फिर चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और अब मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। यहाँ पर मुझे अचार बनाने के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी वो चीज़ें मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसमें कुछ साबुत मसाले ज़्यादा है और जो पाउडर वाले मसाले हैं उसमें इसमें नहीं यूज होता है, बस हल्दी पाउडर चाहिए और मिर्च पाउडर चाहिए। तो ये वो मसाले हैं जो अभी मैं इसे कढ़ाई में हल्का हल्का भूनूंगी ताकि इसमें से नमी चला जाए, क्योंकि अचार बनाने के लिए हम बिल्कुल भी नमी का नहीं चाहिए इसमें, वरना अचार टिकेगा नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मेथी डाला था, मेथी को 10 सेकंड तक बस मैंने भूना, उसके बाद ही मैंने इसमें सौंफ डाल दिया है। और जितनी भी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ ये अंदाजे से ही मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है, उसी के हिसाब से ये 2 किलो में मैं इसमें भून रही हूँ और अभी मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए, बस सौंफ को थोड़ा देर भून के और उसके बाद पीली वाली सरसों और काली वाली सरसों मैंने डाला है। पीला वाला सरसों मैंने जितना डाला है उसका आधा मैंने काला वाला सरसों लिया है। और मेथी कम लगता है इसमें, मतलब अचार में थोड़ा सौंफ का ज़्यादा काम लगता है। तो अब ये जो कलौंजी मैं दिखा रही हूँ इसे मैं अभी नहीं डालूँगी इसे, क्योंकि इसको पीसना नहीं है इस वजह से। और जितनी चीज़ों की मुझे पीसना है वो मैंने डालकर और कढ़ाई में, जब तक इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे इन मसालों को भूनते भूनते, जब तक इसे मैं भूनते रहूँगी। और जब इसका कलर भी थोड़ा सा, मतलब हमें पता चल जाता है कि ये भून चुका है, तो अभी यहाँ पर एक थाली में मैं इसे पलट दूँगी और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए चम्मच से थाली में फैला दूँगी हल्का सा। और जो वो कलौंजी था वो अब उस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है, उसे भी मैं कुछ सेकेंड तक भूनूँगी, यानी कि 10-15 सेकेंड तक उसे भूनना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है इस वजह से ज़्यादा देर हम नहीं भूनेंगे। और ये जो थाली मैंने पसार के रखा हुआ है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वो मसाले हैं, लग रहा है ये कम है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है पीसने के बाद, और जब अचार में मैं डालती हूँ तो भी लगता है। वैसे अचार में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाले तेल लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक टिकाना पड़ता है हमें। और ये जो मेन मसाले होते हैं ये अचार में जब तक नहीं डालेंगे तब तक अचार बनेगा नहीं और उसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर तेल लिया है और उसको मैं गरम कर रही हूँ। जैसे कि अभी बारिश का मौसम, इस साल बारिश रुक ही नहीं रहा है और इस वजह से मैं तेल को गरम करके डालूँगी। पर इसे तेल को गरम करके हम नहीं डालते हैं, लेकिन बहुत लोग डालते हैं, तो मैं भी इसे डालूंगी। और ये इसमें फ़ायदा कि अगर आपका यहाँ पर धूप नहीं आ रहा है तो भी ये 6 दिन के बाद अपने आप बन जाता है। तो इन मसालों को जितना मैंने भुना था उसको मिक्सी के जार में, थोड़ा सा पूरा महीन पाउडर हम नहीं बनाएंगे, बस हल्का सा दरदरा ही रखेंगे, उतना मैंने पीस लिया है, ज़्यादा भी दरदरा नहीं रखना है और बिल्कुल महीन पाउडर भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर
बस जो जार में मैंने पिछले दिन इसे भर के रखा हुआ था उसमें से ये थोड़ा सा गिर नहीं रहा था, तो मैंने चम्मच से इसे निकाला है और अब इसमें पानी निकल जाता है क्योंकि नमक डाला हुआ है। इस वजह से इस पानी को मैं निकाल दूंगी, और हम इसे नहीं भी निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है जब मसाले वगैरह रहे, और तेल का जो गीलापन रहता है वो वाला अचार अच्छा लगता है। और ये जो पानी हल्का सा ही पानी निकलता है, ज़्यादा नहीं, करीब आधा छोटे कटोरी में आधा कटोरी इतना पानी निकला। तो ये देखिए अभी मैंने इस पानी को निकाल कर और आ गई हूँ। तो सबसे पहले वो मसाले में डालूँगी जो मैंने मिक्सी के जार में पीसा हुआ है, यानी कि सरसों वगैरह, मेथी, सौंफ, ये सब। और जीरा मैं बताना भूल गई थी, मैंने उस टाइम जीरा डाला था। पांच चीज़ें इसमें मैंने डाला था लेकिन जल्दबाजी में ही मैं भूल गई हूँ। और अभी यहाँ पर जार का मसाला डालने के बाद फिर से मैं हल्दी और नमक डालूँगी, क्योंकि पिछले उस दिन भी मैंने शुरुआत में डाला हुआ था हल्दी नमक, और इस बार भी, क्योंकि हल्दी नमक से ही ज़्यादा दिन तक टिकता है और ये ख़राब नहीं होता है। और नमक तो मसालों में बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा ही डालें। और उसके बाद ये आधा कटोरी मैंने मिर्च पाउडर लिया है, और ये तीखाई वाला मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी मिर्च नहीं है ये। तो उसके बाद जो मैंने कलौंजी को भून के रखा हुआ था ये सिर्फ दो चम्मच है, ज़्यादा नहीं है, दो चम्मच है, और इसको मैंने इसी तरह डाल दिया है। और अब इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो तेल मैंने गर्म करके रखा हुआ था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो उसी तेल को इस गमले में मैं डाल दूँगी। और स्टील का बर्तन अगर रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे पास बड़ा स्टील का बर्तन नहीं है, इस वजह से मैं इसी में कर रही हूँ। और अब इसे हम हाथ से भी मिला सकते हैं या फिर बड़ा चम्मच से भी मिला सकते हैं। तो एक बात का बस हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हाथों में ज़रा सा भी पानी ना हो, या फिर जिस चीज़ से को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अचार बनाने के लिए, मसाला रख रहे हैं, उस कटोरी में, उस बर्तन में एक बूंद भी पानी का अंश ना हो, वरना अचार नहीं टिकेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने बेटे को कहा था कोई छोटा वाला पंखा लाने के लिए, क्योंकि अभी बारिश जब होने से पहले जो गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस वक्त, बहुत ज़्यादा, और पूरा मौसम ख़राब था। और एक मतलब कि जो बारिश होती है उससे पहले वाले की गर्मी जो होती है वो लग रही थी, इसी वजह से वो पंखा मैंने रख लिया है। और इतना तेज़ इस पंखा से हवा आ रहा था, ये सारी गर्मी दूर हो गई है। और वैसे यहाँ से लग रहा है कैमरे से देखने से कि वो पंखा चल ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हवा आ रहा था और गर्मी भी नहीं लगने लगी मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने जार में सभी अचार को भर दिया है, और अब मैं इसे धूप में रख के आ जाऊँगी। और इधर आप देख सकते हो ये कितना अच्छा दिख रहा है, और इसे अब मैं 6 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए धूप में ही रखूँगी। धूप आएगा उस टाइम मैं रख देती हूँ, और उसके बाद 6 दिन के बाद इसमें 1 कप और सरसों का तेल मैं इसमें डालूँगी। अभी यहाँ पर मैंने जितने सामानों का दुकान लगाया हुआ था अचार बनाने के लिए, वो सारे सामान मैं अंदर ले जाकर और किचन में इसे धो दूँगी। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है, तो फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी ये बर्तन वगैरह साफ़ करके। और उसके बाद आज मैं ज़्यादा कुछ नाश्ते में नहीं बना रही हूँ, सिंपल से पराठे बनाऊँगी और आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ रही हूँ, और बस ज़्यादा काम तो अभी नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का सारा काम हो गया है, बाहर बारिश का मौसम थोड़ा सा हो गया है, और जब बारिश होगी तो फिर लाइट भी कट जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि लाइट कट जाती तो उतना मन भी नहीं लगता है, और सारा काम हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। और आजकल जैसे कि मैंने बताया कि बरसात आ ही गया है, बरसात कभी गया ही नहीं था इस साल, और बारिश हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बारिश तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि मुझे ही नहीं, मेरे पास तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग सब्जियां बेचते हैं या फिर किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो बहुत सारी सब्जियां ख़राब हो जाते हैं बारिश होने की वजह से, और जो इतनी सस्ती सब्जियां बिक रही है वो इसी वजह से, क्योंकि बिना टाइम का बारिश हो रहा है, और मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है, और किसान लोग भी बहुत ज़्यादा उनको आफत हो रही है बिना टाइम के बारिश। और अभी न्यूज़ में जैसे कि हम लोग सुन पा रहे हैं कि इतना यहाँ पर भूकंप आने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है,
तो यही सबसे मन ख़राब होता है। और न्यूज़ तो बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता है, लेकिन देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ और जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम तक मेरा नाश्ता बन जाता था, लेकिन आज नहीं बन पाया, अचार में बनाने में लग गई थी इस वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे लेट हो गया थोड़ा सा, और 10 बज गया था आज मुझे, नहीं तो वैसे तो मैं 8 या 8:30 बजे तक नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये है आज का हमारा नाश्ता, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठे। बहुत सिंपल सा नाश्ता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर नाश्ता में रोटी ही खाते हैं। तो अभी हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है, और मेरे पास बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि आपने अपना नया LED TV लिया है और आपने हमारे साथ शेयर नहीं किया है। तो जो आपने हाउस टूर में वो देखा था वीडियो में, वो मेरा LED ही था वो, लेकिन मेरा नहीं है। और वो कैसा है मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर मेरा रहता तो मैं आप सब के साथ ज़रूर शेयर करती। तो ये जो LED TV है, ये हमें किसी ने दिया है देखने के लिए, और वो अभी यहाँ पर नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो इसे ले जाएंगे। इसी वजह से ये जो मेरा पीछे वाला TV आप देख रहे हो, उसी के ऊपर हमने ये बांध दिया है और रस्सी से, लेकिन बहुत मजबूत रस्सी है, ये गिरेगा नहीं, और जब वो आएँगे तो फिर वो ले जाएँगे। और किसी अपने ने ही ये दिया है, तो बस इसीलिए हम अभी इसे यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जब ये ले जाएंगे तो फिर हम अपना TV को देखेंगे। काफ़ी दिनों से मुझे ये कमेंट आ रहे थे और मैंने आज इसका जवाब दे ही दिया, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आपको बार बार कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब दे देना ही अच्छा है। और मैंने बता दिया कि ये किसका, तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि ये मेरे पास कैसे है। और अगर हम नया कभी LED लेंगे या फिर कुछ भी ऐसा, वैसे तो मैं छोटी सी चीज़ लेती हूँ तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत महंगी भी है। तो अगर मैं कभी फ्यूचर में इसके बारे में लेने के लिए सोचूँ तो आप सभी को ज़रूर पता चल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ले लिया और आपसे छिपा रहे थे इतने दिनों से। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के सवालों का जवाब मिल गया होगा, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हम सब एक अच्छे से नए वीडियो के साथ मिले।